हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 1600 वाट एम्पलीफायर के। फ्रेंड्स, इसमें कमी क्या हो रहा है? एम्पलीफायर पूरा ऑन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बट जो ऑडियो किट होता है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ऑडियो इनपुट जाने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटोमेटिकली बिना वॉल्यूम खोले आवाज़ तेज हो रहा है और वाइब्रेशन कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे और क्या प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर फ्रेंड्स यहाँ से प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है क्योंकि ये इनपुट है। तो ये जिस बंदे का एम्पलीफायर है उसने क्या है, इसको छेड़ रखा था। तो अभी हम इसको दोनों टर्मिनल को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम यही सारा चीज़ बताएंगे और ये इसमें पूरा 1600 वाट एम्पलीफायर है ये, क्योंकि यहाँ पर इसमें लगा रखा है 1 2 3 4 5 6 6 × 12 12 × 24 माउंट स्पीड लगा रखा है। ओके, काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर है और आउटपुट के लिए भी काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये ऑडियो प्लेट है और ये तो कंडीशन हैवी लगे हैं। और फिर और कुछ नहीं फ्रेंड्स, और ये 12012 के लिए नीचे ट्रांसफार्मर भी रखा है अलग से इनपुट के लिए, क्योंकि ये बना हुआ है एम्पलीफायर है, इसलिए काफ़ी अच्छा आउटपुट दे रखा है। इसका आउटपुट बढ़िया देता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं इसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को पूरा देखें। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उन दोनों चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक। ये हमारी केबल है जो कि एक एम्पलीफायर में लगती है और एक मिक्सर, ठीक है फ्रेंड्स, डीजे मिक्सर 3 चैनल। तो अभी हम इसमें उसमें लगाएंगे तो यहाँ पर देखना आप लाइट ऑटोमेटिकली जलेगी बिना इनपुट दिए। यही प्रॉब्लम आ रहा है इसके साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं अभी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, हैविंग कर रहा है साइड। तो इस चीज़ को हमें रिपेयर करना है, हैविंग को कर रहा है क्योंकि इससे हमारे स्पीकर भी हो सकते हैं, बहुत सी सारी प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यूज में लेने वाले हैं ये दो सॉकेट, जो कि एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट रहेगा। तो अभी मैं इसको चेंज करूंगा और बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं इन सॉकेटों का। तो अभी हम चेंज करते हैं और देखते हैं क्या हमारा एम्पलीफायर ठीक हो पाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स पक्का ही यही रहेगा कि ठीक हो जाएगा, छोटी मोटी कमी होती है, घर पर रिपेयर कर सकते हो आप, और मिस्त्री के पास ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो तो मैकेनिकल के पास ले जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये मैंने न्यू टर्मिनल लगा रखे हैं, इसका वायरिंग कनेक्शन मैंने यूं कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने न्यूट्रल के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, रेग माल से यहाँ पर भेजना है, फिर यहाँ पर रंगा लगाना है, ये न्यूट्रल के लिए करना है इससे कि हैविंग ना कर। और ये तार हमने यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको करना है ध्यान में रखते हुए, और जैसे वायर है वैसे ही लगाना है। ओके, तो हम लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाते हैं न्यूट्रल वायर और यहाँ पर लगाते हैं पॉजिटिव वायर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर न्यूट्रल लगा रहा हूँ, यह हो गया हमारा न्यूट्रल। यह हमारा न्यूट्रल वायर लग चुका है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लगाते हैं आप पॉजिटिव वायर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, अपना जो है पॉजिटिव हमने जोड़ रखा है। तो अभी हम इसको यहाँ पर कसते हैं और करते हैं टेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने पूरा वायर पूरा कस लिया है जो भी है। अब मैं आपको एक बार पास में थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा पास में ले जाता हूँ मैं। आप देख सकते हो ये वायर, ये वाला वायर आपको यहीं लगाना है डायरेक्टली, सेम कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, ये न्यूट्रल हो गया हमारा। अब देखना फ्रेंड्स, अभी कोई हैविंग नहीं होगी। मैं ऑन करता हूँ स्विच, यहाँ से वॉल्यूम इतना कर दिया हमने। अभी जब तक हम देखिए कोई भी कुछ, मतलब जब तक यहाँ यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, तो इसका मतलब हमारा एम्पलीफायर
ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स वीडियो जरूर पूरे तक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे CA20 में एम्पलीफायर के अंदर कितने माउस पेड एंड क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, इसको ओपन करके दिखाएंगे और भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।